प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आश्वासन दिया था। कुछ समय तक तो विभाग के अधिकारियों ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने पर ध्यान दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही सड़कों की हालत खस्ता होनी शुरू हो गई। वहीं आगामी 27 जनवरी को प्रदेश सरकार द्वारा गंगा को निर्मल व अविरल बनाने के लिए भाजपा का 5 दिवसीय यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत बिजनौर से होगी, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होंगे और यात्रा मीरापुर से होते हुए मेरठ के हस्तिनापुर जाएगी। यात्रा को सफल बनाने के उद्देश्य से पीडब्ल्यूडी द्वारा मार्ग में बने गड्ढों की पैचिंग कराई गई है। पानीपत खटीमा मार्ग पर गांव मुझेड़ा स्थित है। मार्ग पर गहरे गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिनमें आए दिन यहां से निकलने वाले वाहन फंस जाते हैं और मार्ग पर जाम की स्थिति बन जाती है। अगर देखा जाए तो जहां से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरेगा, उस स्थान से यह स्थान मात्र 50 मीटर की दूरी पर है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पीडब्ल्यूडी व शासन प्रशासन के अधिकारी तो सिर्फ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को किसी तरह सफल बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। में वाहन जो आते जाते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह, कार वगैरह, ऐसे ही मतलब गिरते पड़ते रहते हैं। इसमें गड्ढा ज़्यादा गहरा है गांव मुझेड़ा में, होटल के सामने, और इसमें हमारे भी वाहन निकलते हैं, तो हम अपनी चपा से ही इसे माल को यहाँ गिरवा रहे हैं ताकि कोई हादसा ना घटे। इस हादसे के कारण इस माल इसमें हम रोड़ा वगैरह गिरवा रहे हैं। कितनी ट्रॉली गिरवा चुके हैं अब तक इसमें? इसमें अब तक मतलब कहना का एक ट्रॉली गिर जाएगी, बाकी चार पाँच ट्रॉली गिरेगी। इसमें गड्ढे कितने गहरे गहरे हो रहे हैं? गड्ढे इसमें तकरीबन 3 फुट गहरे गड्ढे हैं। 3 फुट गहरे गड्ढे हैं।